वॉल्वो कार्स को 96 इयर्स हो गए हैं कार बनाते हुए, और इन्होंने इन 96 इयर्स में काफ़ी कुछ नाम कमा चुके हैं ये, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ इन्वेंशन जो सेफ्टी के लिए है, वर्ल्ड ओवर ग्लोबली एक्लेम्ड। ये जो कार कंपनी है, स्वीडन की कार कंपनी, ये लेके आ रही है इंडिया में अपनी सेकेंड इलेक्ट्रिक कार, वो है ये है वॉल्वो की C40। ये रेडी है फॉर इंडिया, इनकी ग्लोबल मॉडल है, ये आएगी इंडिया में, दिस विल बी लॉन्च नेक्स्ट मंथ। आज यहाँ पे एक मीडिया अनवील है, द फर्स्ट लुक फॉर इंडिया ऑफ द C40 रिचार्ज। अपने इलेक्ट्रिक गाड़ी को वॉल्वो रिचार्ज कहता है, ये इनका स्टाइल है। तो दिस इज़ द C40 रिचार्ज, आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया। हम बताएंगे सब कुछ, आवर फर्स्ट इंप्रेशन, आवर फर्स्ट लुक, फर्स्ट वॉक अराउंड वीडियो ऑफ द वॉल्वो रिचार्ज, देखते रहिए। अगर स्टाइलिंग की बात करें तो जो इनकी पहली इलेक्ट्रिक कार है द XC40 रिचार्ज, उसकी याद दिलाएगा, एक टिपिकल वॉल्वो का स्टाइलिंग की याद दिलाएगा। इसका जो फ्रंट फेस है लेकिन यूनिक है, लेकिन फिर भी हटके है, कोई क्लोज्ड फेस मिलता है, ऑल इलेक्ट्रिक वाला आपको फेस मिल जाता है। ग्लॉसी ब्लैक जो इंसर्ट है वो यहाँ पे रन करता है। वॉल्वो का एक काफ़ी बड़ा प्रोमिनेंट जो लोगो है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। 360 डिग्री कैमरा है इसमें, तो ये इसका फ्रंट कैमरा है, दो कैमरा आपको विंग मिरर पे मिलते हैं और एक कैमरा पीछे मिलता है। सो इसमें आपको एडास के सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जिसका कि रडार और कैमरा यहाँ पे प्लेस किया हुआ है ओवर देयर। जो यूनिक स्टाइलिंग फीचर है इसके फेस में वो है इसके थॉर के जो हेडलैम्प्स हैं, अगेन वॉल्वो जाना जाता है बिकॉज ऑफ दिस स्टाइल वाला जो एक स्टाइल स्टेटमेंट है। थॉर मूवी आई थी, थॉर एक कैरेक्टर है, उसका जो हैमर है, थॉर का हैमर, उस पे डिज़ाइन किया हुआ ये हेडलैम्प है। पिक्सल टेक्नोलॉजी के जो हेडलैम्प्स है ये अलग है फ्रॉम द कन्वेंशनल हेडलैम्प्स जो वॉल्वो में आते हैं, तो ये लेटेस्ट जनरेशन वॉल्वो के पिक्सल टेक्नोलॉजी वाले हेडलैम्प्स हैं, समथिंग वेरी एडवांस एंड डिफरेंट। SUV स्टाइलिंग का जो क्यूज है वो आपको मिल जाते हैं, कैरेक्टर लाइंस है बॉनेट पे, शार्प आपको बॉनेट बम्पर मिल जाता है, ब्लैक इंसर्ट्स ओवर ईयर, अगेन प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स छोटे से हैं लेकिन ये काफ़ी प्रोमिनेंट है और काफ़ी पावरफुल है। फॉस किट प्लेट अगेन ब्लैक कलर में अनपेंटेड, लोअर बॉडी को जो एनहांस करता है, एक SUV का एक लुक, एक अपील कंप्लीट करता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यू गेट दिस शार्प लाइंस ओवर हियर, अगेन ये आपको SUV का जो प्रोफाइल है, जो स्टाइलिंग है, उसको यू नो एनहांस करता है, उसको आगे ले जाता है। 19 इंचेस के R19 के आपको व्हील्स मिल जाते हैं, पेरेली के टायर्स हैं ये, और आपको जो इलेक्ट्रिक का जो EV का जो व्हील्स है, एलॉय व्हील्स है, वो आपको मिल जाता है इन ड्यूअल कलर फिनिश। 19 इंचेस इज क्वाइट अ लॉट। SUV का जो लुक है उसको एनहांस करने के लिए अगेन ये ब्लैक अनकलर्ड वाला आपको क्लैडिंग है जो एक्सटेंड करता है अंडर बॉडी में एंड इट कम्स बैक ओवर हियर। साइड प्रोफाइल की बात करें तो अगेन एक स्ट्रॉन्ग, एक मस्कुलर, एक बीफी लुक है यहाँ पे, लेकिन जो अलग है वो है इसका रूफ। आपको ऑल ग्लास रूफ मिलता है, इलेक्ट्रिक सनरूफ नहीं मिलता, बट यू गेट अ कंप्लीट ग्लास रूफ ओवर हियर दैट यू नो फिनिशेस द ओवरऑल लुक, एक ब्लैक फिनिश, एक ब्लैक लुक के साथ। जो इसका विंग मिरर है वो भी अलग है, मीटी है, ब्लैक क्लैडिंग में LED के टर्न लैम्प्स का के साथ में आ जाता है ये, और यहाँ पे इसको छुपाया हुआ है इसका जो साइड का कैमरा है, एक कैमरा फ्रंट में है, दो कैमरा आपको विंग्स मिरर्स में मिल जाते हैं और एक कैमरा पीछे है, तो ये तीनों कंबाइन करके यू गेट अ 360 जो व्यू है, जो कैमरा व्यू है वो मिल जाता है आपको। जैसे आपको बताया मैंने, रूफ का जो इसका मामला है वो पूरा ग्लास से फिनिश किया हुआ है, और जबकि बॉनेट खुला हुआ है, लेट मी शो यू द फ्रंक। फ्रंक इज़ द फ्रंट ट्रंक, इलेक्ट्रिक कार में इंजन तो नहीं होता, तो जो आगे का स्पेस है उसको, दिस इज द स्पेस, तो आपको यहाँ पे चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है, या फिर आप इसको निकाल के आप मतलब कीप इन डिक्की एंड कीप लॉट ऑफ स्टफ इन ओवर हियर, इसको बंद कर दो। ये आपका सामने का डिक्की है, 31 लीटर्स का इसका कैपेसिटी है, 31 लीटर्स। गोइंग अहेड, जो C40 का जो हाईलाइट है स्टाइलिंग के मामले में, स्टाइलिंग के डिपार्टमेंट में, वो है इसका रेयर प्रोफाइल। फ्रंट तो आपको टिपिकल वॉल्वो, साइड भी वॉल्वो में, लेकिन जो यहाँ पे फिनिशर है, जो फिनिश करता है इसका स्टाइल स्टेटमेंट, वो सबसे अलग है। एक नॉच बैक, एक स्पोर्ट बैक की तरह ये इसका जो रेयर प्रोफाइल है वो फिनिश होता है। ग्लास का एंगल देख लीजिए, और आपको दो स्पॉइलर मिलते हैं, एक नहीं दो स्पॉइलर, एक स्पॉइलर यहाँ पे इन्फ्यूज़ किया हुआ है और एक स्पॉइलर यहाँ पे भी छुपाया हुआ है, सो यू गेट दिस टू डिफरेंट लुकिंग स्पॉइलर्स। और ये ग्लास जो एक शार्प एंगल पे प्लेस किया हुआ है, ये बनाता है इसका एक यूनिक लुक, फिनिश करता है कार को। और शार्क फिन एंटेना में, वोरा शार्क फिन एंटेना, एंड दैट इज़ अगेन ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश में एनहांस करता है, एक टिपिकल लुक देता है। वॉल्वो का बैजिंग है यहाँ पे,
अगेन पिक्सल का जो लाइटिंग है वो एक अलग लुक, एक फील में टिपिकल वॉल्वो के फैशन में ये डिज़ाइन किया हुआ है। ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है ये, आगे भी आपको इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है और पीछे के टायर में भी। तो ये रहा रिचार्ज ट्विन, ये इनका ऑल व्हील ड्राइव का बैजिंग है फ्रॉम वॉल्वो। C40 का प्रोमिनेंट बैजिंग अगेन इन क्रोम, ये C40 है। टिपिकल वॉल्वो का स्टाइलिंग, टिपिकल वॉल्वो का फिट फिनिश एंड क्वालिटी। ड्यूअल टोन फिनिश में आपको रेयर बम्पर मिल जाता है। ये है इसका बूट खोलने का बटन जो है यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। इसका रेयर सेंसर्स आर ओवर हियर। ये है स्टॉप लैंप जो यहाँ पे अगर इसको अंदर इन्फ्यूज़ किया हुआ है। मैं बूट खोल कर दिखा देता हूँ। ऑल इलेक्ट्रिक बूट, 413 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है। 413 लीटर्स स्पेस सेविंग वाला आपको जो व्हील है वो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। लोडिंग का जो लिप है वो फ्लैट लोडिंग आपको मिल जाता है। एंड दिस इज़ वेरी स्पेशियस। ये एक इलेक्ट्रिक कार है, इसीलिए इसका जो बेस है, जो इसका फ्लोर है, वो थोड़ा रेज्ड है टू अकोमोडेट द बैटरी इनटू इट। इलेक्ट्रिकली ओपनिंग एंड ओपनेबल एंड इलेक्ट्रिकली क्लोजेबल, ये है C40 का बूट। चार्जिंग का जो पोर्ट है इलेक्ट्रिक कार्स के आगे होते हैं, कई आगे फेंडर में होते हैं। इसका ये इन्होंने प्रॉपर जो फ्यूल टैंक की जगह है वहाँ पे प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर, एक लैंप भी मिल जाता है। एंड ये है चार्जिंग के सॉकेट ऑन द C40, द ऑल इलेक्ट्रिक C40 रिचार्ज वॉल्वो से। एक टिपिकल फिट फिनिश जो है, क्वालिटी है, वो एक काफ़ी प्रीमियम है अगर आप देख सके तो। और जो यूनिक बात है, जो लुक है, वो है ये छोटा सा जो एक फिनिशर है यहाँ पे, जब आप डोर खोलते हैं ये यहीं पे रहता है। दिस गिव्स अ वेरी डिफरेंट लुक। ये है वॉल्वो की C40 और जो बनावट के मामले में काफ़ी प्रीमियम है ये गाड़ी। करें तो आपको एक सुपर प्रीमियम, एक टिपिकल वॉल्वो वाला एक कैबिन स्पेस मिल जाता है। ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम रहेगा यहाँ पे। ये मुझे लगता है दिस इज़ द वेरी यूनिक पार्ट। एक यू नो मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग एक फिनिश है यहाँ पे। एंड यू हैव दिस एक वुड, एक मॉडर्न आर्ट वाला वुड, इसको टोपोग्राफी कहता है वॉल्वो, वो आपको एक फिनिश मिल जाता है। ये अगेन डोर में भी आपको इंसर्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन जो वॉल्वो की खासियत है, जो वर्टिकली प्लेस्ड टच स्क्रीन है, इन एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वर्टिकली प्लेस्ड, अगेन AC के जो वेंट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। ये सॉफ्ट फिनिश वाला डैशबोर्ड जो प्रीमियम फिनिश को एनहांस करता है वो है। हरमान कार्डन के आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे भी एक ट्विटर फिट किया हुआ है ऑन बोथ द साइड्स, ओवर ईयर एंड इन द डोर। तो इसका जो साउंड सिस्टम है वो बताएंगे व्हेन वी ड्राइव द कार इन एक्चुअल कंडीशंस। लेकिन ये एक प्रीमियम ऑल इलेक्ट्रिक कार है, द वॉल्वो C40। प्रीमियम स्टेयरिंग व्हील है, आपको मेटल के इंसर्ट्स मिल जाते हैं। एग्जस्ट के मामले में यू गेट रीच एंड हाइट ऑन द स्टेयरिंग। टिपिकल वॉल्वो वाले आपको जो इसके कंट्रोल स्टॉक्स है वो आपको मिल जाते हैं। दिस इज़ द एडास का जो एक कंसोल है वो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। रिमलेस फ्रेमलेस वाला आपको रेयर व्यू मिरर मिल जाता है। जो कैबिन लाइट है उसका जो यूनिक फीचर है, इसको मेरे को सिर्फ टच करना है, टैप करना है हल्के से, एंड दिस कम्स टू लाइफ, दैट्स हाउ इट इज़। पिक्सल लाइटिंग जो बाहर है वो आपके कैबिन में भी है। एंड दिस अगेन, मैं इसको जब मैं टैप करूँ तो ये बंद हो जाएगा लाइक दिस। दिस इज अगेन वेरी यूनिक एंड वेरी डिस्टिंक्टिव, अगेन एक प्रीमियम फील देता है ये। सेफ्टी के मामले में मैंने अभी मतलब डोर सिर्फ बंद कर दिया है, एंड आई एम यू नो टोटली इंसुलेटेड। जो कैबिन का एरिया है वो टोटली कट ऑफ हो गया है फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। सो दैट इज़ इसका जो साउंड डैम्पनिंग है, जो इसका साउंड का जो इंसुलेशन है कैबिन का, वो उसकी बात करता है। अगेन कमिंग बैक, सेंटर कॉन्सोल में ये AVN सिस्टम है। इसके नीचे इसका जो कंट्रोल मॉड्यूल है वो है यहाँ पे। AC का जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है इन द AVN सिस्टम को छुपाया हुआ। देयर इज नो बटन्स ऑन द यू नो AVN सिस्टम, सब सिस्टम के अंदर है, डिस्प्ले के अंदर है। सो दैट्स हाउ इजी इट इज़। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो आपको मिल जाता है, आपको एयर प्यूरीफायर भी मिल जाता है। लॉट ऑफ फीचर, लॉट ऑफ कनेक्टिविटी के ऑप्शन तो मिल जाते हैं। वायरलेस चार्जिंग जो है मोबाइल का, वो यहाँ प्लेस किया हुआ है। लॉट ऑफ स्पेस ओवर हियर, अगेन एक छोटा सा जगह है यहाँ पे टू कीप योर कार्ड्स और समथिंग ओवर हियर। पावर आउटलेट ओवर हियर, या पर USB-C का जो बटन है, जो पोर्ट है, वो आपको मिल जाता है। शिफ्टर इज ओवर हियर, अगेन एक ये ऑल इलेक्ट्रिक कार है, तो यू ओनली हैव द ड्राइव मोड्स, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव, दैट्स हाउ इट इज। और ये आपका जो पार्किंग का जो मोड है वो है ये, जस्ट प्रेसेस द कार कम्स टू द पार्किंग मोड। बॉटल होल्डर ओवर हियर, यू हैव अ स्मॉल बिन ओवर हियर, ये एक छोटा सा बिन है यहाँ पे, इसको आपको जो छोड़ कीप सम स्मॉल निटी ग्रिटीज, यू कैन कीप इट ओवर हियर। इसके अलावा यू गेट स्पेस अंडर द आर्मरेस्ट ऑल्सो। अ ह्यूज यू नो कंसोल ओवर हियर, जो काफ़ी सारा सामान लेगा अंदर।
सीटिंग के मामले में जो सीट्स है वो परफेक्टली अपॉइंटेड है, ये वॉल्वो है एंड दे नो ये गाड़ी कैसे डिज़ाइन करते हैं, 96 ईयर से ये गाड़ी बना रहे हैं ग्लोबली एंड दे नो देयर जॉब वेरी वेल। ऑल ग्लास आपको रूफ मिल जाता है, ये खुलता नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक ओपनिंग ऑन द ग्लास रूफ ओवर हियर, एक वन पीस वाला ग्लास है बट लुक्स वेरी ट्रेंडी एंड कैची दिस वन पीस ग्लास रूफ। वैनिटी मिरर है, इसमें भी आपको लाइट मिल जाता है, प्रीमियम फीचर्स, प्रीमियम टच, ट्विटर ओवर हियर एज आई सेड, ऑल ब्लैक इंटीरियर, इलेक्ट्रिक सीट है ऑन द फ्रंट। कूलिंग और हीटिंग के फीचर्स नहीं दिखाई दे रहे मेरे को ऑन द फ्रंट सीट, बट देन दैट्स हाउ इट इज़। अगर आप देख सकते हैं तो जो इसका हेडरेस्ट है, इसका जो डिज़ाइनिंग है वो एक काफ़ी एक यू नो कंफर्ट एंड सेफ्टी के हिसाब से ये बना होता है, और माय आईज़ आर गोइंग ऑन द वूफर ओवर हियर, यू हैव दिस सेंटर वूफर ओवर हियर जो हार्मन कार्डन का जो सिस्टम है, सो दिस इज़ अगेन अ वेरी प्रीमियम फीचर, अ प्रीमियम साउंड सिस्टम ऑन अ वेरी प्रीमियम कार। ये है वॉल्वो की C40, लॉट ऑफ स्पेस अराउंड हियर, लेट्स चेक आउट द रेयर सीट्स नाउ। अगर रेयर स्पेस की बात करें तो इसका जो डोर ओपनिंग है, डोर का जो इसका अपर्चर है, दिस इज़ गुड इनफ टू गेट इन टू द कार। इसका जो बड़ा भाई है जो XC40 रिचार्ज है, उससे ये वाइड है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, तो दिस इज़ अ वाइड कार। और रेयर सीट की कंफर्ट में अगेन यू गेट, दिस इज़ द नी रूम, द हेड रूम ओवर हियर, सेफ्टी के मामले में यू नो यू गेट 3 हेडरेस्ट ओवर हियर, काफ़ी एक स्कल्प्टेड वाला आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, फोल्डेबल आर्मरेस्ट इज अगेन ओवर हियर विद बॉटल होल्डर्स, जो बीच में बंदा बैठेगा ही हैज़ टू डू सम कुश्ती और फाइट आउट विद द ट्रांसमिशन हम्प, जो कि ये बम्प है यहाँ पे। तो सीटिंग के मामले में 2 लोग कंफर्टेबली बैठेंगे, तीसरा बंदे को शायद थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगेन वर्टिकली माउंटेड AC वेंट्स जो पीछे है, जो आगे है वैसे आपको पीछे मिल जाते हैं। ये है इसका पावर आउटलेट, USB-C वाला आउटलेट, लॉट ऑफ स्पेस अगेन हियर, ग्लास रूफ जो है वो मेरे सर तक आ रहा है, यू गेट लॉट ऑफ लाइट कमिंग इन ओवर हियर, ये नहीं खुलेगा लेकिन ये काफ़ी सारा लाइट देगा इनटू द कैबिन। अगेन ये जो लाइट है वो टच वाला है जैसे कि आगे था, वाइट कलर का जो पिक्सल वाला जो फील है वो आपको मिल जाता है, ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, सॉफ्ट आपको पैडिंग मिल जाते हैं, एवरीथिंग फील्स वेरी वेल अपॉइंटेड। ये है वॉल्वो की C40 ऑल इलेक्ट्रिक द रिचार्ज, वॉल्वो C40 रिचार्ज जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसको पावर करता है 78 किलोवाट पर आवर वाली एक बैटरी, और ये बैटरी को ये जूस देता है 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स को जो कि ऑल व्हील ड्राइव बनाता है इसको। ये 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाते हैं 408 हॉर्स पावर और 660 हॉर्स NM का टॉर्क मिल जाता है आपको, जो कि इस गाड़ी को प्रोपेल करता है 4.7 सेकंड्स में 100 की स्पीड पे, 0-100 इन 4.7 सेकंड्स। 530 किलोमीटर का इसका रेंज है, ओवरऑल रेंज है एज पर WLTP, जो कि इनका चार्ज का जो एक ये है एवरेज है जो टेस्ट होता है, और इसका जो स्पीड लिमिट है वो 180 किलोमीटर पे इसको लॉक किया हुआ है फॉर सेफ्टी रीजंस। ये है वॉल्वो की C40 रिचार्ज। ये था हमारा क्विक वॉक अराउंड फर्स्ट लुक वीडियो रिव्यू ऑफ द वॉल्वो C40। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये गाड़ी कैसे लगी आपको बताना है हमारे कमेंट सेक्शन में, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी रेडी होगी फॉर इंडिया, लॉन्च होगी, इसके प्राइसिंग आएगी इन द मंथ ऑफ अगस्त, तभी हम इसका मीडिया ड्राइव भी करेंगे, आपको बताएंगे ये गाड़ी कैसी है इन एक्चुअल ड्राइविंग कंडीशंस ऑन द रोड्स। तभी तक के लिए आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, आपको हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, नीड टू शो ऑल योर लव योर ब्लेसिंग्स टू मोटर वर्ल्ड इंडिया, बेल आइकन भी हिट कीजिएगा, देखते रहिएगा मोटर वर्ल्ड इंडिया, वी गेट यू सच एग्जॉटिक सच ब्यूटीफुल कार्स और लाते रहेंगे हम। सर रितेश मदोक साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिल्ली विद द लवली C40 फ्रॉम वॉल्वो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।